स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नगर परिषद होडल व खंड होडल के ग्रामीण लाभार्थियों के लिए लगाए जा रहे दो दिवसीय मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले के पहले दिन शुक्रवार को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं विधायक होडल जगदीश नायर ने अवलोकन किया। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं विधायक होडल जगदीश नायर ने कहा कि अत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करना है। जिला में खंड स्तर पर ऐसे मेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर अपेक्षाकृत बेहतर हो सके। सरकार का ध्येय है कि परिवार पहचान पत्र धारकों जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उनकी आय को बढ़ाया जाए। उसी उद्देश्य को लेकर समूचे जिला में खंड स्तर पर अत्योदय मेलों को आयोजन किया गया है। सरकार का उद्देश्य पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का भला करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी जिलों में अत्योदय मेले संयोजित किए गए हैं और अधिकारी व कर्मचारी व्यवस्थित ढंग से लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इन योजनाओं से लाभार्थियों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। मेले में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर SDM होडल वकील अहमद, DSP होडल सज्जन सिंह, मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी अरविंद, तहसीलदार होडल संजीव नागर, महेश गौड़ सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। होटल कला रामचंद्रन IPS ने किया मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले का निरीक्षण। स्टालों पर जाकर लाभार्थियों को दिए जा रहे लाभ का लिया लाए जा। होटल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुनहाना मोड़ होटल में नगर परिषद होटल व खंड होटल के ग्रामीणों लाभार्थियों के लिए लगाए जा रहे दो दिवसीय मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले के प्रथम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले की नोडल अधिकारी एवं IPS कला रामचंद्रन तथा जिला उपायुक्त पलवल कृष्ण कुमार ने मेले का निरीक्षण किया तथा मेले में जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मेले में खंड व नगर परिषद के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया। श्रीमती कला रामचंद्रन IPS ने कहा कि मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान योजना उन गरीब परिवारों को मुख्य धारा में लाने का कार्य करेगी जो अब तक किसी कारणवश विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी अपना अपना डेस्क लगाकर यहाँ इन गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। काउंसलिंग डेस्क पर लाभार्थियों को उनकी सूची के अनुसार योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उसके बाद संबंधित डेस्क पर भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब परिवारों के उत्थान के लिए यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मेले का मुख्य मकसद लोगों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें ऋण मुहैया करवाना है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार इन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक सुनिश्चित करना चाहती है। इस कारण से लाभपात्रों के घर द्वार पर नजदीक ही मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इन मेलों में अधिकारी खुद सभी प्रकार की कागजी कार्यवाही पूरी करवा कर लाभपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। आज जो मुख्यमंत्री उत्थान योजना मेला लगाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या इसका लाभ मिलेगा? हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना में जो पोरेस्ट ऑफ पुअर पीपल थे, जो जिनकी आय कम थी, उन लोगों के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। आज होडल ब्लॉक और होडल MC एरिया के मेला आयोजन किया गया है और इसका लक्ष्य ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, एक्सक्लूसिवली उन लोगों को बुलाया जाए। यहाँ पर सरकार के सारे विभाग यहाँ पर बैठे हैं, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, हमारी काउंसलिंग डेस्क यहाँ पे बैठे, काउंसलिंग के लोग बैठे हुए हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो विभिन्न कारणों से विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, आज प्रयास ये है कि उन लोगों की काउंसलिंग की जाए, प्रायोरिटी से केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाए और उनकी काउंसलिंग करा के उनके ज़रूरत के अनुसार उनको स्कीम दी जाए और स्कीम के अनुसार उनको लोन भी दिया जाए। सर एक कह तो सर ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बुला तो लिया गया लेकिन उनको ये नहीं पता उनको यहाँ इस योजना से क्या